तो इस वक्त की बड़ी खबर स्काई न्यूज पंजाब पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर से 2 दिवसीय बनारस के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि 3 राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री का बनारस का ये पहला दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा बनारस का 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 दिसंबर से ये दौरा शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री इस दौरान आम जनता से भी मुलाकात करेंगे, घाटों का दौरा करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। तो 3 राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर स्काई न्यूज पंजाब पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर से 2 दिवसीय बनारस के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि 3 राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री का बनारस का ये पहला दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा बनारस का 17 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 दिसंबर से ये दौरा शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री इस दौरान आम जनता से भी मुलाकात करेंगे, घाटों का दौरा करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। तो 3 राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंच रहे हैं।